लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे अकबरनगर के ध्वस्तीकरण के बाद अब अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर में बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए जल्द ही सर्वे का कार्य भी शुरू होने वाला है। लखनऊ में शुक्रवार को हुई एलडीए की बैठक में फैसला लिया गया कि अबरार नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर में सभी विभागों की टीम एक हफ्ते तक क्षेत्र में सर्वे करेगी। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, शासन से अनुमति लेकर फिर कार्रवाई होगी। अकबर नगर के ध्वस्तीकरण के बाद अब एलडीए अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि एलडीए की मीटिंग में यह तय हुआ है कि सोमवार से लेकर एक हफ्ते तक सर्वे चलेगा। सिंचाई विभाग के मुताबिक कुकरेल नदी से 50 मीटर तक जो एंक्रोचमेंट है वहां कार्रवाई होगी। कुकरेल नदी के दोनों ओर 50 मीटर क्षेत्र फ्लड जोन बताया गया है, जिसकी जद में आने वाले सभी निर्माण गिराए जाएंगे। अबरार नगर में कार्रवाई की खबर के बाद वहां के लोग अपने घर खाली करते दिखाई दिए। जो लोग इस अबरार नगर में रहते हैं वो घर खाली करके दूसरी जगह विस्थापित होने लगे। आप तस्वीरों में देखिए तो पूरे ई रिक्शा पर सामान भरकर लोग यहां से जा रहे हैं। लखनऊ के कई ग्रामीण इलाकों में एलडीए की जद के आने से गांव के लोगों में इस बात को लेकर अफवाह और डर का माहौल है कि उनके घरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। नीट यूजी काउंसलिंग अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है। एमबीबीएस और बीडीएस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज की एडमिशन प्रक्रिया के लिए छात्रों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। आपको बता दें नीट पीजी काउंसलिंग अगस्त महीने के बीच में शुरू हो सकती है, हालांकि अभी आधिकारिक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा और ऐसा करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। पूरी यात्रा की सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा पुलिस डीजे पर बजने वाले गाने और उसकी आवाज भी तय करेगी। शनिवार को सीएम योगी के निर्देश के बाद मेरठ में मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी ने हाई लेवल बैठक की है। मीटिंग में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वो पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है और अब उन पर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है। दिल्ली के राज्यपाल ने इस मामले में अब जांच के आदेश दिए हैं। वहीं गवर्नर की तरफ से इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई है। जीनी।